तुला राशि के वित्त मंत्री बनते हैं मंगलदेव, और यही मंगलदेव आपके इनकम भाव को छोड़ करके आपके 12वें भाव पर इनका गोचर हो रहा है। वास्तव में ये क्या प्रतिफल होगा आपके लिए, इसी को आप जान पाएंगे। इस वीडियो को हमने दो भागों में सम्मिलित किया है। पहला आप ये समझिए कि इस मंगल का क्या प्रभाव होगा, और दूसरा आप इसी वीडियो में जान पाएंगे कि नक्षत्रों के द्वारा आपको क्या प्रतिफल होगा। क्योंकि माना जाता है नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार ये सिद्धांत है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के किसी घटना को घटित होने करने के लिए या होने के लिए सबसे ज्यादा फलदायी होता है। ध्यान रखेंगे कि मंगल वो ग्रह बनते हैं जो सदैव के लिए आपके वित्त मंत्री हैं। आपके धन का सारा लेखा जोखा इसी मंगल के पास होता है। जहां जहां इनका गोचर परिवर्तन होता है वहां वहां आपके पैसे जाते हैं। और साथ ही साथ यही मंगलदेव चूंकि आपके सप्तमेश हैं, मतलब सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए आपके बिजनेस आपके कैरियर को भी लेकर के वहां तक जाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि वास्तव में ये मंगल क्या प्रतिफल आपको प्रदान करने वाले हैं। आपके लगन से ठीक 12वें भाव पर अभी अभी इन्होंने भगवान सूर्य के राशि को छोड़ करके अपने शत्रु की राशि पर इनका गोचर परिवर्तन हुआ है। आप ये जानिए शत्रु की राशि इसलिए क्योंकि कन्या राशि पर ये मंगल गोचर कर रहे हैं। ठीक कब करेंगे, 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर का वो समय होगा, लगभग 46 दिनों का वो समय होगा जब ये आपके 12वें घर पर रहेंगे। 12वां घर हमारे खर्चों का है, हमारे हानि का है, हमारे तनावों का है। तो इसलिए इस समय पर आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि धन भाव के स्वामी 12वें भाव पर जाते हैं, तो धन हानि के दृष्टिकोण से इसे अच्छा नहीं माना जाता। धन हानि की संभावना बन सकती है क्योंकि धने से जब 12वें भाव पर जाते हैं तो इससे सबसे बचने का सबसे सटीक उपाय यह होगा कि इस समय पर पैसे आप अपने हाथ में रखें ही ना, या फिर जितने आपके आवश्यकता अनुकूल जो आपके पास धन चाहिए वो धन आप अपने पास रखें, बाकी पैसे आप निवेशित कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ ये समझना है धन भाव के स्वामी जब द्वादश भाव में जा रहे हैं इसका मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको ज्यादा मजबूती से इस समय पर करना पड़ेगा। हो सकता है कि घर के खर्च से भी आप इस समय पर परेशान हो सकते हैं क्योंकि धनेश यदि 12वें भाव पर जाते हैं तो हमारे कुटुंब में भी एक प्रकार से खर्च की संभावना को काफी बढ़ाते हैं। यदि वो खर्च सकारात्मक हो तब तो अच्छी बात है भाई, घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, घर में कुछ अच्छा कार्य के लिए हम खर्च कर रहे हैं, वो तो अच्छा हो गया। लेकिन यदि मंगल द्वादश में है तो अपने खर्चों पर इस समय पर हमें सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता हो सकती है। हमें देखना होगा कि कहाँ हमारे खर्च आवश्यकता अनुकूल हमारे लिए हैं और कहाँ हमारे खर्च फिजूल में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको सख्त नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब आप समझिएगा इसी दरमियान ये मंगल देवता 3 नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे। सबसे पहला नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिस पर ये प्रभाव डालेंगे 18 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक का समय होगा। इस समय पर ये सूर्य के नक्षत्र पर होंगे, मतलब आपने ये समझना है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के रिजल्ट देते हैं। मतलब अभी तो ये 12वें भाव का रिजल्ट दे रहे हैं, जब नक्षत्रों के अधीन हो जाएंगे का मतलब ये हो गया कि कोई पेड़ आपने देखा होगा, वो पेड़ बहुत सूखा नजर आता है वो पेड़, परंतु उस पेड़ में फल भी नजर आ जाते हैं कभी कभी, वही फल की स्थिति यहां पर बुरे भाव पर मतलब 12वें भाव पर मंगल का होना भी आपको प्रदान कर सकता है। कैसे कर सकता है, जब सूर्य के नक्षत्र पर होंगे, सूर्य कौन हो गए, तो सूर्य आपके इनकम भाव के स्वामी हो गए हैं। सूर्य भगवान कहाँ चल रहे हैं, सूर्य भगवान अभी वर्तमान समय पर पूरे के पूरे आपके 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आपके इनकम भाव पर हैं। इनकम भाव के स्वामी इनकम भाव पर हैं, इससे लाभ की संभावना को काफ़ी बढ़ा देंगे। मंगल जब इनके नक्षत्र पर गोचर करेंगे, सूर्य के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, तब लाभ की संभावना को काफ़ी बढ़ा देंगे, हमारे धन की प्राप्ति काफ़ी होने लगेगी। हो सकता है पहले आपने जो क्योंकि 12वें घर से ये मंगल का प्रभाव एकादश भाव पे आ रहा है, पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, पहले आपने कोई निवेश किया है, उसका प्रतिफल इस समय पर आपको प्राप्ति के रूप में दिख सकता है। देखिए इन्वेस्टमेंट निवेश सिर्फ पैसों का नहीं हो सकता, हमारे कर्मों का भी इन्वेस्टमेंट होता है। हमने जो समय लगाया है अपने कर्मों का, जो अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, इस समय पर उसका सुपरिणाम आपको देखने को मिल सकता है नक्षत्रों के माध्यम से, फल के माध्यम से दिखेगा। ऐसा दिख सकता है कि खर्च अधिकता है, परंतु ओवरऑल प्राप्ति की संभावना भी इस समय पर काफी बढ़ सकती है। अब समझिएगा जैसे 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर का डेट आएगा, इसी समय पर ये मंगल देवता हस्त नक्षत्र पर होंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा किस भाव के स्वामी है, तो भाई यही चंद्रमा तो आपके दशमेश बनते हैं, मतलब दशम आपके करियर भाव के स्वामी है। फल क्या होगा, 12वें भाव से मंगल दशम भाव को देख रहा है। यदि आप विदेशों में अपने करियर को आजमाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा समय मानिए आप इसे, आप क्योंकि मंगल नक्षत्रों के द्वारा 12वें भाव का है, 12वां
भाव विदेश का, अदर कंट्री का है, अदर स्टेट का है, तो वहां से लेकर के आपके कर्मों को यहां पर जोड़ देंगे। मतलब कार्मिक दृष्टिकोण से यह सबसे अच्छा माना जाएगा। दशम भाव पर जब इसका प्रभाव होगा तो यदि आप कोई कार्य करते हैं, बिजनेस, नौकरी, प्रोफेशन, किसी भी कार्य में हो, तो मंगल का यदि यहाँ से प्रभाव जुड़ गया तो उस कार्य की भी हमें परिपूर्णता देखने को मिल सकती है, अपने कार्यों में एक स्थिरता देखने को मिल सकती है और वहाँ से भी हमें लाभ की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। चूँकि मंगल आपके कुटुंब भाव के स्वामी है, इसलिए कुटुंब के प्रति कुछ सजगता की आपको आवश्यकता रहेगी, नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अब जैसे ही 23 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर का डेट आएगा, इसी समय पर मंगल देवता अपने ही नक्षत्र पे रहेंगे, मतलब चित्रा नक्षत्र पे रहेंगे। मतलब मंगल देव सबसे ज्यादा मजबूती से फल किस भाव का देंगे? 12वें भाव का फल देंगे। हाँ, इस टाइम पर खर्च की अधिकता से बचना है, पुनः फिर से पारिवारिक जिम्मेदारियों का जो आपको दायित्व मिला है उन दायित्वों को देखना है। माँ पिता, भाई बहन, हमारे जो संतान है, इनके प्रति जो हमारी उत्तरदायित्व है, इन उत्तरदायित्वों को आपको समझना है और उस कार्य को करना है। क्यों? क्योंकि मंगल वीरता के प्रतीक है माने जाते हैं, आप सब जानते हैं। मंगल ही हमारी साहस है और मंगल ही हमारा हिम्मत है। ये हिम्मत सब कुछ आपको दे जाएंगे। अब इस नक्षत्रों का प्रभाव आपने समझा, अब समझिए कि इस मंगल का के पास जो दृष्टियां हैं उसके द्वारा आपको क्या प्रतिफल मिलेगा। तो मंगल के पास 3 दृष्टियां आप सब जानते हैं, 4th, 7th, and 8th। तो 1, 2, 3, 4, तो 4th दृष्टि से ये सीधा देखेंगे आपके साहस भाव को। भाई साहस भाव के कारक माने गए हैं मंगल को। और 12वें भाव से जब मंगल तीसरे घर को देखेंगे तो एक प्रकार से भाइयों के साथ वैचारिक वैमनस्य इस समय पर बन सकते हैं, इसके लिए आपको सतर्क रखना है। हाँ, कोई युद्ध की स्थिति चल रही है, कोई विवाद की स्थिति चल रही है, वहां पर भी आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता है। परंतु ये नहीं भूलना है, मंगल अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, इसलिए कोई कम्युनिकेशन में अच्छा परिणाम आ सकता है, कि कोई अनुबंध हो सकता है, उस अनुबंध के भी हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आपके जीवन में कॉम्पिटिशन अधिक है तो मंगल की दृष्टि है कॉम्पिटिशन को भी यहाँ पर प्रभावित करेंगे, अर्थात कॉम्पिटिशन से भी लाभ मिलने की संभावना बनेगी। अब मंगल की 7वीं दृष्टि को समझिएगा। मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से सीधे आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव आपका जॉब है, आपकी नौकरी है, साथ ही रोग ऋण शत्रुओं का भाव भी होता है। 12वां भाव हमारा खर्चा का और छठा भाव हमारा कर्जा का, तो इन दोनों का संबंध हो सकता है। तो अभी इस टाइम पर कोई नया कर्जा अगर आप लेना चाहते हैं तो उससे बचना होगा आपको। हालांकि मंगल जब इस भाव को देते हैं तो यदि आप लोन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई सुखद लोन मैं ले पाऊं, तो उसके लिए भी योग बनेगा। तो यदि कोई कर्जा लेना है तो बचना है, और यदि आपको लगता है कि अपने जीवन को अच्छा के लिए मुझे कोई लोन की आवश्यकता है, किसी से मैं पैसे ले लूं, तो उसका संयोग बनेगा, कहीं से आपको पैसे मिलने वाले हैं, शायद उसका एक योग बन सकता है। अब यही मंगलदेव के पास एक दृष्टि और है जो कि अष्टम दृष्टि है। अष्टम दृष्टि से ये सीधे अपने ही भाव को, मतलब एक नंबर लिखा है, इस भाव के अधिपति मंगल स्वयं हो जाते हैं। मतलब मंगल अपने ही भाव को देख रहे हैं साफ साफ। इसका मतलब ये हो गया, बिजनेस को आप बाहर ले जा सकते हैं, बाहर मतलब अदर कंट्री में, अदर स्टेट में ले जा सकते हैं। यदि आप विदेश में हैं तो वहाँ पर भी ये संभावना बन सकती है। सप्तम भाव हमारा प्रोफेशन का होता है, तो नौकरी इत्यादि में भी आप प्रयास अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हाँ, परंतु यदि सप्तमेश 12वें घर पर जाते हैं तो दाम्पत्य जीवन को बहुत आपको सजगता पूर्वक आपको निभाना पड़ेगा, अन्यथा आपके जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, या फिर वो दूर जा सकते हैं। दूर जाने का तात्पर्य वो कहीं और रह सकते हैं, या फिर एक साथ रहते हुए भी एक दूरी की स्थिति यहां पर बन सकती है। कुल मिलाकर के मंगल का जो नक्षत्रों के द्वारा जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके लिए धनदायक होगा, वो आपके लिए सफलताकारक और आपके कार्मिक दृष्टिकोण से कर्म में सफलता भी यहां पर ये प्रदर्शित करेंगे। इस मंगल को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए? सबसे बेहतरीन उपाय बताया गया है, भगवान हनुमान जी महाराज से इस मंगल का सीधा संबंध है। तो हनुमान जी महाराज की अगर आप आराधना करते हैं तो करते रहिए, वही हनुमान जी महाराज सदैव इस मंगल को कंट्रोल में रखते हैं। मंगल क्रोध के कारक माने गए हैं, इसलिए क्रोध को सदैव मेंटेन में रखते हुए मंगल देवता को यदि आपको प्रसन्न करना है, हनुमान जी महाराज के जो मंत्र आते हैं, जो पाठ आते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या फिर बजरंग बाण का पाठ आप नियमित करते रहिए। 46 दिनों का ये गोचर है और 12वें घर में है, तो किसी प्रकार से मुझे लगता है कि कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना ही चाहिए। और हाँ, भूलना नहीं है कि इसी समय पर राहु भी डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कम हो गई है, उनका प्रभाव तो आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा ही, साथ ही साथ शनि देवता आपके इनकम भाव को देख रहे हैं, उनका प्रभाव तो मिलेगा ही।
हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है तो मात्र एक ग्रह उसे डिसाइड नहीं करता कि मैं ये अमुक कार्य ही करूंगा। नौ के नौ ग्रह होते हैं और सभी नौ ग्रहों के द्वारा हमें किसी घटना को घटित होने के लिए वो संभावनाएं दिखती हैं। तो बाकी ग्रह गोचर अनुकूल है, मंगल थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिकूलता की स्थिति में है। हनुमान जी की आराधना करते रहें। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं हमारे अंदर कि हम हाँ कुछ अच्छा किए हैं और आपने उसे सराहा है, हम भविष्य में और अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान।